आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर ने कहा, जब हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट देने की बात उठी, तब नेहरू ने भारत को पीछे रखते हुए चीन को प्राथमिकता दी। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने बताया, उस वक्त नेहरू ने कहा था कि भारत इस सीट के काबिल है, लेकिन पहले चीन को UNSC का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे कहा, आज हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकंड की पॉलिसी रखते थे। जयशंकर ने बताया कि साल 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने चीन को लेकर नेहरू को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन के इरादे उसकी बातों से मेल नहीं खाते और भारत को सावधान रहना चाहिए, लेकिन नेहरू ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।